नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी को टिकीराज यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक या फिर किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग को कैसे रजिस्टर या फिर अप्लाई कर सकते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो का हर अपडेट आप तक पहुँच सके तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खोल के रखा है तो आज की डेट पर यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी नहीं है तो ये बहुत ही पीछे रह जाने का बात हो जाता है क्योंकि आज की डेट पे हर किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग का फैसिलिटी होता है और ये हमें बहुत ही इजी कर देता है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए और भी बहुत चीजों का ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें बहुत ईजी कर देता है तो आज की डेट में ये बहुत ही आवश्यक बहुत ही अनिवार्य चीज होता है ठीक है तो अभी मैं आपको बताऊंगा चाहे आपका कोई सा भी बैंक हो कैसे आपको नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करना है तो दोस्तों नेट बैंकिंग अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उस एप्लीकेशन लिख के आपका बैंक मैनेजर को सबमिट करना होगा तो दोस्तों अभी हम चलते हैं कि कैसे आप लिख सकते हैं और कैसे एप्लीकेशन आपको लिखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ <penso ask applause>, UH! <laughs> तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो सबसे पहले आपको लिखना है टू द ब्रांच मैनेजर और उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है आपका बैंक का नाम उसके बाद में ब्रांच का नाम लिखना है और यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस लिखना है उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट टू इश्यू इंटरनेट बैंकिंग सर्विस फॉर माय अकाउंट और उसके बाद नीचे आपको लिखना है पैराग्राफ में डियर सर मैडम आई एम योर कस्टमर सिंस लास्ट सेवन इयर्स आप यहां पे सेवन इयर्स की जगह में कितना साल तक हो चुके हो आपका अकाउंट खुला हुआ वो आप यहाँ पे भर सकते हो ठीक है उसके बाद में वेन आई ओपन माई अकाउंट विद दिस बैंक बैंक का नाम आपको यहाँ पे भरना होगा ठीक है यहाँ पे बैंक का नाम दे दीजिएगा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है इसे आपको हटाना है ठीक है यहाँ पे आपका बैंक का नाम दीजिए उसके बाद में आई डी डोट अप्लाई फॉर इंटरनेट बैंकिंग फॉर माई अकाउंट दिस डिस आई एम फाइंडिंग मच डिफिकल्ट टू ट्रांसफर मनी टू अदर्स ऑल्सो आई नीट टू डू अ लॉर ऑफ परचेस ऑनलाइन सो आई थॉट ऑफ हैविंग आई थॉंट ऑफ हैविंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी फॉर मी हैंस आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एक्टिवेट इंटरनेट बैंकिंग अगेंस्ट माई अकाउंट माई अकाउंट नंबर इज़ यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना है अपना और उसके बाद में आई हैव एडेज द आईडेंटिटी एंड द एड्रेस प्रूफ विद दिस लेटर थैंकिंग यू और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है यूज़र नेम आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है ठीक है यूज़र नेम ऑप्शन वन ये यूज़र नेम वो होता है कि दोस्तों आपको जब अप्रूव हो जाएगा आपका ये इंटरनेट बैंकिंग तब आपको ये यूज़र नेम आप खुद से बनाते हैं तो आपको ईजी रहेगा बाद में लॉग करने के लिए ठीक है आपको वैसे भी डिफॉल्ट तो मिल ही जाता है लेकिन आप प्रीफर करना चाहते हैं आपके हिसाब से आप देना चाहते हैं तो ये आप दे सकते हो ऑप्शन के लिए ठीक है उसके बाद में आपको नीचे देना है थैंक यू फॉर थैंक यू इन एडवांस फॉर योर कॉपोरेशन योर सिंसियरली आपका नाम नीचे देना है सिग्नेचर देना है और दोस्तों ये लेटर के साथ में एक एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ आपको देना है वैलिड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना है और ये देखिए आपके बैंक मैनेजर को सबमिट कर देना है आपका इंटरनेट बैंकिंग जो है वो आपको इश्यू कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से है कि आप आसानी के साथ अपना बैंक का इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यदि ये, ये आप फॉर्म का फॉर्म का फॉर्मेट चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वहां पे जाके आप कॉपी कर सकते हो तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना बैंक का इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग